बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट, जैसा कि अभी जो चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन, जो कि सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 भी कहलाता है, लेकिन टोटल बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 18 कहलाएगा, तो उसकी कॉन्टिन्यूशन है। रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हम लास्ट सेशन में है। गुज़श्ता सेशन में हमने द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल को तफसीलन क्लास में डिस्कस किया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद अब हम इस सेशन में आज डिस्कस करेंगे द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। इंसानों में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बुनियादी स्ट्रक्चर कौन से हैं, फंक्शंस किस तरह से काम करती हैं, और कौन से हार्मोन्स इसमें कुछ जो साइक्लिक एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, बेसिकली इसमें दो ओवरीज होती हैं ह्यूमन फीमेल के अंदर। राइट एंड लेफ्ट साइड पे दो ओवरीज होती हैं जो कि ओवम या एग्स बनाती हैं। उसके साथ दोनों ओवरीज के साथ दोनों साइड्स पे ओविडक्ट कनेक्टेड होती हैं। एक्चुअली ये कनेक्टेड तो नहीं होती, थोड़ा सा इनके बीच में गैप या स्पेस होती है। तो ओविडक्ट से एग होता हुआ यूट्रस की तरफ आता है, और एक यूट्रस होती है जो कि दोनों ओवरीज के सेंटर में एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा यूट्रस के साथ जो डायरेक्टली लिंक हो रही होती है, दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, या जिसे हम वजाइना भी कहते हैं। अच्छा, ये जो ओवरीज हैं इनके अंदर जर्म सेल्स होते हैं ओवरी के अंदर, जो कि वो गोनिया प्रोड्यूस करते हैं माइटोसिस के थ्रू। जर्म सेल्स माइटोसिस के थ्रू जो वो गोनिया प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम प्राइमरी ओवोसाइट्स भी कहते हैं। जो प्राइमरी ओवोसाइट्स हैं ये कुछ फोलिकल सेल्स होती हैं इन ओवरीज के अंदर, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये जो फोलिकल सेल्स के अंदर एनक्लोज होते हैं, प्राइमरी ओवोसाइट्स बाद में मियोसिस की मदद से डिवाइड करते हैं। जबकि ये आप लोगों ने यहाँ में पॉइंट नोट करना है, प्राइमरी ओवोसाइट्स खुद माइटोसिस का प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन प्राइमरी ओवोसाइट्स बाद में जब डिवाइड करते हैं तो उनकी डिवीजन मियोसिस होती है, और मियोसिस के थ्रू ये सेकेंडरी ओवोसाइट्स और फर्स्ट पोलर बॉडीज बनती हैं। क्योंकि मियोसिस दो टाइप की होती है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। तो प्राइमरी ओवोसाइट में पहली डिवीजन कहलाएगी मियोसिस वन, तो पहली डिवीजन मियोसिस वन के नतीजे में बनेंगे सेकेंडरी ओवोसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। उसके बाद सेकेंडरी ओवोसाइट्स के अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी, जिसके नतीजे में ओवोसाइट्स बनेंगे। लेकिन ये जो ओवोसाइट्स हैं ये मेटाफेज स्टेज तक ये सेकेंडरी मियोसिस जो है ये रुक जाएगी। ये तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक एग की फर्टिलाइजेशन ना हो। जैसे ही एग की फर्टिलाइजेशन हो तो बाद में जो एनाफेज और टीलोफेज हैं ये दोनों एकम्प्लिश होती हैं, और जो फर्टिलाइज्ड एग है वो ओविडक्ट से होता हुआ यूट्रस के अंदर ट्रेवल करता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर दोनों ओवरी से एक वक्त में एक ही एग रिलीज होता है, और ये जो प्रोसेस है ओवरी से एग रिलीज होने का, इसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन द ओव्यूलेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। तो दोनों ओवरी से एक वक्त में एक ही अगर रिलीज होगा, इसे होगा या इसे होगा, या आप क्या ये कह सकते हो कि अगर एक वक्त में राइट ओवरी से ओवम रिलीज होगा तो लेफ्ट ओवर में उस वक्त उसे ओवम रिलीज नहीं होगा, और उसके बाद लेफ्ट ओवरी से जब ओवम रिलीज होगा तो राइट ओवरी से ओवम रिलीज नहीं होगा। तो इसकी जो फर्टिलाइजेशन है, ये जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट के ये जो पार्ट है इसके, जैसे हम कहेंगे प्रोक्सिमल पार्ट, प्रोक्सिमल पार्ट मतलब जो पार्ट इसका ओवरी के नजदीक है, ओवरी के जो नज़दीक पार्ट है तकरीबन यहीं पे इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद जो सेकंड म्यूटिक डिवीजन थी वो साइड्स के अंदर
वो मेटाफेज से प्रोसीड करती है और फौरी तौर पे उसके अंदर एनाफेज और टेलोफेज भी मुकम्मल हो जाती है, और फिर वो फौरी से जो फर्टिलाइज एग है या फर्टिलाइज एग वो उसके अंदर फौरी से क्लीवेज स्टार्ट होती है, वो डिवाइड करना शुरू कर देता है, एक बॉल ऑफ सेल्स बनता है, वो बॉल ऑफ सेल्स ओविडक्ट से ट्रेवल करता हुआ यहाँ से वो यूट्रस के अंदर मूव कर जाता है। जा इसकी अगर हम डायग्रामेटिकली इसकी डिवीजन को देखें तो मियोसिस वन सबसे पहले ओवरी के अंदर ओओसाइट्स होते हैं जो कि डिप्लॉयड ओओसाइट्स हैं, तो उसमें मियोसिस वन होती है जो कि रिडक्शनल फेज भी कहलाती है। मियोसिस वन के नतीजे में दो किस्म के सेल्स बनेंगे जो कि एक कहलाएगा सेकेंडरी ओओसाइट, ये बड़े वाला सेल, और साथ एक छोटा सेल बनेगा जो कि पोलर बॉडी कहलाएगी जो कि बाद में डिजनरेट भी हो जाती है। सेकेंडरी ओओसाइट के ऊपर मियोसिस टू होती है और मियोसिस टू से ये एक सेल डिवाइड करके दो सेल्स बनती हैं। पोलर बॉडी भी डिवाइड करके दो पोलर बॉडी बनाएगा, सेकेंडरी ओओसाइट डिवाइड करके एक एग सेल बनाएगा और दूसरा वो उसमें एक पोलर बॉडी बनाएगा जिसे हम सेकेंडरी पोलर बॉडी कहेंगे। एग सेल हैप्लॉइड सेल होगा, उसकी ये डिवीजन मेटाफेज स्टेज तक रुकी होती है। जैसे ही इसकी फर्टिलाइजेशन होती है कोई स्पर्म आके इसके साथ फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही इसकी फर्दर जो मियोसिस टू है वो एकॉम्प्लिश हो जाती है। अच्छा ये जो अभी हमने पढ़ लिया जी कि जायगोट बनता है, जायगोट बनने के बाद वो ट्रेवल करता है। अच्छा ये जो जायगोट बाद में यूट्रस में जाकर ये वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा यूट्रस में अटैच हो जाता है। प्लेसेंटा एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है या एक ऐसा कनेक्शन होता है जो कि डिवेलपिंग एम्ब्रियो और मदर की मैटरनल यूट्रस के साथ वो एक लिंक पैदा करता है। प्लेसेंटा का असल पर्पज़ होता है कि एक बने वाले नए ऑर्गेनिज्म के अंदर और उसकी जो मदर है उन दोनों के बीच में प्लेसेंटा एक ऐसे पाइप का काम करता है जिसके थ्रू एक तो ब्लड एक्सचेंज होता है, और असल में ब्लड एक्सचेंज नहीं होता, उसके बीच में एक बैरियर होती है, उसके थ्रू असल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वेस्ट और कुछ दूसरे मिनरल्स, मटेरियल्स या न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हैं वो माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र होते हैं, और बच्चे से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वेस्ट हैं या कुछ दूसरे टॉक्सिन्स हो सकते हैं तो वो उसके जो ब्लड से हैं बच्चे से वो रिमूव होकर माँ के ब्लड में चले जाते हैं और वहाँ से वो रिसाइकल होते हैं लीवर से, और बाद में वो इसी तरह से जो यूरिन के जरिए वो बॉडी से रिलीज होना शुरू हो जाती है। अच्छा यह आप एक बात याद रखी जाए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूट्रस है वो वेजाइना में ओपन होती है सर्वेक्स से होती हुई, लेकिन जो यूरिथ्रा है ये यूरिथ्रा एक अलग ओपनिंग है और वेजाइना एक अलग ओपनिंग है। जो यूरिथ्रा है डेट इज फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीशन या यूरिनरी सिस्टम के साथ कनेक्ट करती है, जबकि जो वजाइनल ओपनिंग है वो डायरेक्टली लिंक कर रही होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। अच्छा अब हम मूव करते हैं फीमेल के अंदर ये जो एग प्रोडक्शन का प्रोसेस है डेट इज अ वेरी साइक्लिक इवेंट, ये एग प्रोडक्शन एक बहुत ही साइक्लिक इवेंट है तो इसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं। फीमेल एज कम्पेयर टू मेल के मेल में तो कॉन्स्टेंटली स्पर्म्स बनते रहते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर ये साइक्लिक इवेंट होने की वजह से ये तकरीबन अबाउट वन मंथ या 28 डेज में एक ही ओवम बन पाता है, और इसकी स्टेजेस हैं जो कि हार्मोनली कंट्रोल होता है। और ये कब स्टार्ट होता है फीमेल में आफ्टर जस्ट आफ्टर प्यूबर्टी ये तकरीबन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और ये उसकी थ्रू आउट द लाइफ ये प्रोसेस उसके साथ चलता रहता है। इन ह्यूमन फीमेल्स फीमेल्स के अंदर ये जो पीरियडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये तकरीबन 28 डेज में मुकम्मल होता है, और ये इसके दौरान बॉडी में बहुत सी चेंजेस आती हैं खास तौर पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, यूट्रस में और ओवरीज में स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से।
और इसको हम मेडिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, और इसकी बेसिकली फोर फेजेस होती हैं, और क्योंकि इसके अंदर दो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, एक यूट्रस और दूसरा ओवरी, तो ओवरी के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसे हम कहेंगे ओवेरियन साइकिल, और यूट्रस के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसे हम यूट्राइन साइकिल कहेंगे। और ये खास तौर पे जिन हार्मोन के अंडर कंट्रोल होती हैं वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होती हैं, जो कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहलाती हैं। अच्छा, तमाम जितने भी दूसरे मैमल्स हैं ह्यूमन बींग्स के अलावा, हम ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रहे, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो साइकिल होता है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जबकि ह्यूमंस के अलावा जो दूसरे मैमल्स हैं उन तमाम मैमल्स की फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसे हम ईस्ट्रस साइकिल कहेंगे। ये ईस्ट्रस साइकिल है, ये तमाम जानदारों में इसकी ड्यूरेशन वेरिएबल है, और ये उन तमाम जानदारों में एस्ट्रोजन हार्मोन के अंडर कंट्रोल होता है, और उस फीमेल बॉडी के अंदर यूट्रस को ये रेडी करता है फॉर फर्टिलाइजेशन या फॉर कंसेप्शन, और जिसमें जो है वो ऑलरेडी फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं। जब हम इसके जो है बेसिक जो फेजेस हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देखेंगे कि किस तरह से हार्मोनली ये पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका हम आगाज करेंगे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बलूगत प्यूबर्टी के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से एक खास हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये ओवरीज के ऊपर जाके एक्ट करता है, और वहां पे एक ही वक्त में ओवरीज में ये बहुत से जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उनकी डेवलपमेंट को स्टार्ट कर देता है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही ओवरी जो है वो सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होती है, डिवाइड करती है, और सेकेंडरी ओसाइट फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, जबकि जो दूसरी ओवरीज हैं वो फॉलिकल एस्ट्रेसी या ओसिस की मदद से वो डिजनरेट हो जाती है। देखिए, एक वक्त में सिर्फ एक ही प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होती है और उसे एग रिलीज होता है, और बाकी जो बहुत सी ओवरीज या जो ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल मैच्योर हो रही होती हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं खास किस्म के प्रोसेस की मदद से, जिसे हम फॉलिकल एस्ट्रेसिया कहते हैं। अच्छा, ओवरी जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर उसमें एक और हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं। लिहाजा फॉलिकल ने तो पहले दो प्राइमरी फॉलिकल्स को मैच्योर किया, उसके बाद फॉलिकल का दूसरा काम है ओवरीज एक दूसरे किस्म का हार्मोन बनाती हैं जिसे हम एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। ये एस्ट्रोजन हार्मोन फंक्शंस के लिहाज से ये जो यूट्रस है, यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग्स, यूट्रस की जो अंदरूनी दीवारें हैं ये उनके ऊपर जाके एक्ट करता है, और उनके अंदर ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, ब्लड वेसल की सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स की तादाद ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैस्कुलराइजेशन। और जबकि ये दूसरी तरफ क्या करता है, दूसरी तरफ ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी जाके एक्ट करता है, क्योंकि जितने भी हारमोन्स हैं वो ब्लड में ट्रेवल करते हैं, और ब्लड में ट्रेवल करने की वजह से वो जाहिर सी बात है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी जाके वो टच करेगा, और जैसे ही वो पिट्यूटरी ग्लैंड के टारगेट पे पहुँचता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती है तो वो इस चीज़ की इंश्योरेंस है, यकीन दहानी होती है कि जो ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स की मैचुरेशन हो रही थी वो रुक जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। लिहाजा एस्ट्रोजन हार्मोन आप देखें कि इनडायरेक्टली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम करने के साथ साथ ये एग्स की प्रोडक्शन को रोकता है। वो कहता है कि जो एक ही वक्त में एक हार्मोन बना है उसका पर्पस यही होता है कि सिर्फ वही मैच्योर हो सके। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जब ब्लड के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हुआ होता है और एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हुआ होता है, ये एक ऐसा सिग्नल है, इनकी रेशो से एक ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस होता है, वो सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है
और पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा एस्ट्रोजन और कम एफएसएच को डिटेक्ट करते हुए एक थर्ड किस्म का हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको जिसे हम कहते हैं एलएच हार्मोन, एलएच हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन को इंड्यूस करवाता है। जो एक फोलिकल स्टिमुलेट हुई थी उसी फोलिकल को ये स्टिमुलेट करता है और वहां से ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है और उससे एक ओवम रिलीज हो जाता है। और जैसे ही उसे ओवम रिलीज होता है, आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो मैच्योर फोलिकल थी, इस मैच्योर फोलिकल से जैसे ही एग रिलीज होता है ओव्यूलेशन के प्रोसेस के तहत, तो उसके बाद जो पीछे एक येलोइश येलो कलर का एक फैटी सा टिश्यू बच जाता है जिसको हम कहते हैं कार्पस लुटियम, जिसे हम कहते हैं कार्पस लुटियम। कार्पस लुटियम एक ऐसा ये ग्लैंडुलर टिश्यू है जो कि अलग से एक डिफरेंट हार्मोन की प्रोडक्शन को वो स्टार्ट कर देता है। और वो जो हार्मोन है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन वो अपना एक अलग से इफेक्ट रखता है यूट्रस के ऊपर और ओवरीज के ऊपर। ये जो येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना शुरू कर देता है और इसकी वजह से जो यूट्रस की वाल्स हैं जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, यूट्रस की वाल्स को एंडोमेट्रियम कहा जाता है, ये इसकी वाल्स को थिक करती हैं और इसको रेडी करती हैं ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग है जिसे हम जाइगोट कहते हैं वो ओविडक्ट से होता हुआ जब यहाँ पर पहुंचे तो वहां पर आके फौरी तौर पर अटैच हो जाए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, स्पर्म्स ना अंदर ट्रेवल किए हो, तो फर्टिलाइजेशन ना होने से क्या होगा कि जो कार्पस लुटियम है वो डिजनरेट होना शुरू हो जाती है ओवरीज के अंदर, जो येलोइश स्ट्रक्चर है जो वो डिजनरेट होना शुरू होगा। तो जाहिर सी बात है जब कार्पस लुटियम नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन भी डिक्रीज कर जाएगी। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन कम होगी तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को का जो एक स्पोर्टिंग इफेक्ट था एंडोमेट्रियम के ऊपर वो भी रिड्यूस हो जाएगा। जब एंडोमेट्रियम के ऊपर स्पोर्टिंग इफेक्ट रिड्यूस होगा तो एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन स्टार्ट होगी तो ह्यूमन फीमेल बॉडी से ये जितने भी यूट्रस के अंदर वाल्स थी, ब्लड वेसल्स थी, तो वहां से ये सारा ब्लड डेब्रिस और सेल डेब्रिस है ये बॉडी से रिलीज होना शुरू हो जाएगा जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये जो मेंस्ट्रुएशन है, ब्लीडिंग पीरियड जो है, ये तकरीबन 3 to 7 days तक ख्वातीन में ये एग्जिस्ट करता है। लिहाजा ये जो जितने भी हार्मोनल साइक्लिक इवेंट थे इनको कंप्लीट होने के लिए तकरीबन 28 days दरकार होती हैं। जैसे ही ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से अब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो चुका है। और ये जो साइकिल है ये तकरीबन 28 days एवरेज जो है ये रिपीट होता है। लेकिन ये 30 days, 32 days, 26 या 25 days के ऊपर भी इसमें वेरिएशन आती हैं। ये फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये जो वेरिएबल होता है और ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है व्हाट इज द हेल्थ कंडीशन और व्हाट इज द स्ट्रेस लेवल। अगर स्ट्रेस लेवल होगा तो ऐसी ख्वातीन में उनकी जो ये जो ओव्यूलेशन की साइक्लिक एक्टिविटी है ये अपने एवरेज टाइम से डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, ख्वातीन में एक ऐसी रहती है आफ्टर 55 or 60 years जिनमें ये जो साइक्लिक एक्टिविटी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो मुकम्मल तौर पे स्टॉप हो जाता है। मतलब उनके अंदर एग प्रोडक्शन बिल्कुल फिनिश हो जाती है। जब एग प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है तो ऐसी कंडीशन को हम ख्वातीन में कहते हैं मेनोपॉज। उसके बाद फीमेल्स में किसी किस्म की कोई ओव्यूलेशन नहीं होती। अच्छा, ये कुछ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो 28 days का प्रियोडिक साइक्लिक एक्टिविटीज हैं फीमेल के अंदर।
जैसा कि हमने कहा कि जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है मेन्स्ट्रुएशन, जिसमें पिछले साइकिल में कॉर्पसलुटियम जब डीजनरेट होता है, तो उसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन लेवल की जो ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इस डिक्रीज कंसंट्रेशन की वजह से बॉडी के अंदर एक डीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है यूट्रस में, और यूट्रस की जितने भी ये ब्लड डेब्रिज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो सारी खत्म होना शुरू हो जाती है। उसके बाद तकरीबन 5 to 6 डेज के ऊपर दोबारा से एक प्रोलीफरेटिव फेज भी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। इस प्रोलीफरेटिव स्टेज में ओवरीज दोबारा से फुली स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंडर काम कर रही होती हैं, और उनके अंदर प्राइमरी ओवोसाइट्स डिवेलप हो रहे होते हैं जो कि मियोसिस वन के थ्रू डिवाइड करते हैं, और उससे बनती है सेकेंडरी ओवोसाइट। फोलिकल्स मैच्योर हो रही होती हैं, और तकरीबन 14 डेज की स्टेज के ऊपर उसमें ओव्यूलेशन होती है। 14 डेज का मतलब है कि 12 से 15 दिन के अरसे तक ओव्यूलेशन होती है, और वहां से एग रिलीज हो जाता है। जैसे ही एग रिलीज होता है, दो ऑनवर्ड डेज में, जैसे कि डे नंबर 15, 17, 19, 21 तक जो है, जो कॉर्पसलुटियम बनना शुरू हो जाता है, और कॉर्पसलुटियम येलविश बॉडी जो ओवरीज के अंदर बनती है वो फुली डिवेलप हो चुकी होती है, और उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फर्दर इसकी जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, और उसको तकरीबन रेडी करता है यूट्रस वाल को फॉर कंसेप्शन पर्पस। लेकिन वो साथ साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जैसे लेवल जाता है ज्यादा होता है बॉडी में, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, और साथ एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी कुछ मिकदार ज्यादा हो चुकी होती है। लेकिन अगर ओव्यूलेशन ना हो तो साथ ही ये जो इसके अंदर वैस्कुलराइजेशन है ये डिजनरेट होना शुरू हो जाती है, कार्पोसलुटियम भी डिजनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती है, और क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही है जो इस एंडोमेट्रियम की वॉल्स को सपोर्ट किए होता है, और जैसे ही उसमें ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती है, और ये यहाँ पे साइकिल भी खत्म होना शुरू हो जाता है। तो सर, आपने इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना हो इज मोस्ट वेलकम। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे भी वो मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो इज मोस्ट वेलकम।